अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गोत्रबाजी विद मलिक। आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी गोल्डन बफ मुर्गियों की अपडेट्स देना चाहता हूँ। मैंने तकरीबन 20-25 दिन पहले जो मेरा होममेड इनक्यूबेटर है उसमें मैंने अंडे रखे थे 20 अदद गोल्डन बफ मुर्गियों के, अपनी घरेलू मेरी, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाई हैं। तो आज मैं उनकी आपको अपडेट्स देता हूँ कि मेरे 20 में से कितने चूज़े निकले हैं। तो नाज़रीन, 20 में से सिर्फ ये एक चूज़ा निकला है, बाकी 19 अंडे जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो 19 अंडे ख़राब होने की वजह क्या है, ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है। जितने भी मैंने पहले इनक्यूबेटर में, अपने होममेड इनक्यूबेटर में चूज़े निकलवाए हैं, उनमें कभी भी इस तरह नहीं हुआ, इतने ज़्यादा अंडे ख़राब नहीं हुए। हुआ क्या था कि आपको पता है कि जो इनक्यूबेटर होता है होममेड, उसमें बल्ब लगाना पड़ता है, बल्ब जलता है तो उससे हीट पैदा होती है और हीट से फिर बच्चे निकलते हैं। तो और बल्ब भी जे वाले एनर्जी सेवर नहीं होते, वो हमें स्पेशल जो हम पुराने वक्तों में यूज़ करते थे, जो सादा बल्ब होते हैं 60 वाट का या 40 वाट का, वो यूज़ करना पड़ता है। तो हुआ क्या कि रात के लेट नाइट, यानी कि तकरीबन 11-12 बजे जो बल्ब था वो जल गया, फ्यूज़ हो गया और मार्केट सारी जो थी वो बंद हो चुकी थी। तो मैंने कोशिश की काफ़ी कि कोई बल्ब मिल जाए तो मैं लगा लूँ उसकी जगह पे, लेकिन वो नहीं मिला मुझे। फिर मैंने मजबूरन एक एनर्जी सेवर लगाया, लेकिन उससे सुबह तक उसकी हीट जो थी वो पूरी नहीं हो सकी। 98 से 102, यानी 102 तक फारेनहाइट तक इसकी टेम्परेचर होना चाहिए, इसके दरमियान होना चाहिए 97 से लेके 102-103 के करीब, लेकिन जो एनर्जी सेवर था उसकी वजह से सिर्फ 83 तक जो हीट थी वो ज़्यादा मैक्सिमम जा सकी फारेनहाइट तक। तो उसकी वजह से बाकी सारे जो अंडे थे वो ख़राब हो चुके थे। ये जो वाकया है बल्ब जो फ्यूज़ होने का, ये तकरीबन मेरे अंडे रखने के 11वें या 12वें दिन पेश आया था। तो मुझे तभी आइडिया था कि ज़्यादा चूज़े नहीं निकलेंगे या ज़्यादा सारे जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक खुशकिस्मती से चूज़ा निकला है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ एक छोटी सी जो अपनी अपडेट है वो देता चलूँ। मैंने ये जो अंडे रखने का सिलसिला भी आपको दिखाना था, सारा वीडियो दिखानी थी, लेकिन मुसलफीत की वजह से नहीं दिखा सका। लेकिन अब आगे जो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो अंडे इनक्यूबेटर में रखूँ या मुर्गी के नीचे रखूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वीडियोज़ में। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।